नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल BL महेड़ा जर्नी पर। आज हम आए हैं दोस्तों राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले के केंद्रीय फार्म में। और केंद्रीय फार्म आप देख रहे हो, ये देखो, ये केंद्रीय फार्म का गेट है और इसी गेट के अंदर है खुला बंदी जेल। ये जो आप देख रहे हो खुला बंदी शिविर जैतसर, ये जैतसर से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है और सलेमपुरा से 35 किलोमीटर दूर है और बाजूवाला से 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, जितने भी कैदी हैं जो लंबी सज़ा काट चुके हैं, उनका क्या है कि इस जगह शिविर है, यहाँ पर सुधार गृह बोला जाता है, उनको सुधरने का मौका दिया जाता है। खुला मतलब खुली जेल है, इसके अंदर जो भी कैदी हैं वो कैदी क्या है कि अपना हाजिरी लगा के दिन भर अपनी मजदूरी करते हैं कहीं भी, और शाम को अपनी हाजिरी लगाकर अपने घरों में रह सकते हैं। दोस्तों, इस खुला जेल की शुरुआत 1905 में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश में ही हुई। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया के अंदर हर जगह ये शिविर और विश्व में हर जगह ये शिविर लगने लगे कि जो बंदी थे जिनका नेचर वगैरह अच्छा है तो उनकी क्या है कि ये जेल के अंदर उनको खुला छोड़ा जाए ताकि उनको सुधरने का मौका मिले। तो भारत के अंदर 1905 में बॉम्बे के अंदर जो थाना है, थाने के अंदर इस जेल की शुरुआत हुई और 1910 के अंदर इसे बंद कर दिया गया था। और 1910 के बाद में अभी यूपी के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। यूपी के बाद में धीरे धीरे सभी जगह ये जेल है, जो जो बंदी है जो 20 साल या 15 साल की सज़ा काट रहे हैं उनके लिए ये जेल स्टार्ट की गई थी। तो अभी क्या है कि राजस्थान के अंदर फ़िलहाल 29 जेल है ऐसी जो खुली जेल है उनके अंदर ये राजस्थान में हम आए हैं। जैतसर के अंदर ये खुली जेल है और इसी जेल के अंदर जितने बंदी हैं उनसे हम आज मुलाकात करेंगे। और यहाँ पर आज मौसम भी बहुत अच्छा है और हम सभी से बात करेंगे जितने भी यहाँ पर कैदी हैं। तो चलिए देखते हैं जेल के अंदर का क्या नज़ारा है और कैसे यहाँ पर कैदियों को रखा जाता है। तो दोस्तों, हम फाइनली जो केंद्रीय ये जो फार्म है उसके अंदर जो खुला जेल है उसके अंदर हम पहुंच चुके हैं। और आइए हम बात करते हैं यहाँ पर गार्ड साहब और सभी से। तो सर, आपका नाम क्या है? इंद्रजीत है सर। इंद्रजीत जी, तो सर यहाँ पर ये जेल की क्या व्यवस्था और किस प्रकार यहाँ पर कैदी रह रहे हैं? यहाँ पे सर क्या है कि जैसे अपने जेल से बंदी जिनका आचरण अच्छा होता है, मान लो जी 6 साल 8 महीने हो गए जिनको विद्रम मिशन, उसके बाद में यहाँ भेज दिया जाता है उसको। जी जी। उसके बाद यहाँ पे जैसे दिनचर्या, डेली दिनचर्या है, मान लो सुबह शाम जो गिनती होती है अपने जैसे दिन है उनके अनुसार, जैसे गर्मी में है तो टाइम बढ़ा देते हैं जी जी, तो सर्दी में है तो टाइम घटा देते हैं, उसके अनुसार जी यहाँ पे रहते हैं। तो सर कितना टाइम हो गया इस जेल को यहाँ पर बने हुए? इसको लगभग बता रहे हैं 40 साल हो गया और ये अपने राजस्थान की पहली खुली बंदी शिविर है। ये राजस्थान का खुली बंदी शिविर मतलब यहाँ पर जो कैदी हैं वो 7 या 8 साल तक जिन्होंने सज़ा काट दी है उनको यहाँ पर सुधार गृह के लिए, सुधार के लिए यहाँ पर रखा जाता है कि उनका जो आगे का जीवन है वो सुधर जाए। और यहाँ पर सर कितने साल तक रखा जाता है उसके बाद में?
यहाँ पे जैसे उनकी सज़ा पूरी होती है तब तक रखते हैं मान लो। जी, जैसे किसी को 14 वर्ष है या 10 वर्ष है, जो भी है जिसको उसके अनुसार यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर वो जो बंदी है वो अकेले रहते हैं या विद फैमिली रहते हैं जी? ना, परिवार के साथ रह सकते हैं अपनी। जी, और अकेले हैं तो अकेले रह सकते हैं जी। वो उन पर डिपेंड करता है कि वो अकेले रहना चाहते हैं या अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कैदी है सर, मैंने देखा है कि यहाँ पर बाहर भी जा सकते हैं, तो उसका क्या सिस्टम है सर? उनका क्या है, यहाँ पे अपना ये एरिया है मान लो 7-8 किलोमीटर के एरिया में अपनी जो आजीविका चला सकता है मान लो। जी, जो काम करके। जी, तो यहाँ पे क्या है, खर्चा खुद का ही होता है मान। जी, तो अपना जो जैसे भी जिसको मान लो जो उसकी योग्य है उस अनुसार अपना काम करता है। जी जी जी। तो सर यहाँ पर गवर्नमेंट इन कैदियों को कुछ पैसा या कुछ दिहाड़ी मजदूरी कुछ देती है या कुछ नहीं देती सर यहाँ पे? गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, वो अपनी खुद कोई क्या है एक समाज में डलना है उसको, उसके अनुसार मान लो अब वो जा रहा है तो उसको कोई ना कोई काम सीखना है। जी जी। जिससे अपने आगे जाके क्या है कि वो अपना रोजगार कर सके, और इस मान लो जो भी केस हो गया किसी भी घटना से मान लो किसी परिस्थिति में, हाँ, तो आगे क्या है कि उसका जीवन सुधरे। जी जी, उसके लिए। तो इसीलिए इसको सुधार ग्रह बोला गया है कि जीवन सुधारने के लिए इसको सुधार ग्रह बोला गया है। तो सर यहाँ पर जो कैदी हैं, गार्ड साहब आप बताइए, पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मुकेश नाम। मुकेश जी नाम है। तो सर आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ पर? अभी प्रभारी पोस्ट पर। अभी प्रभारी पोस्ट पे हैं। तो सर यहाँ पर ये जो आपके पास बैठे हैं इनमें से कौन कौन कैदी हैं और कितनी इनकी सजा है? अभी तो ये कैदी हैं, 3 ही साइड है मान लो, 2 है। जी जी। और इनकी अलग अलग है, लगभग करीब तो सभी बंदियों की यहाँ है, तो आजीवन में है सभी। सभी आजीवन में हैं। जी जी। तो सर आपका नाम क्या है? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह। तो सुखदेव सिंह जी आपको कितने वर्ष की सजा है? जीवन। आजीवन है जी। तो आजीवन के अंदर सर आपको, आप बताइए कि यहाँ पर कितने वर्ष हो गए आपको इस जेल में रहते हुए? इस जेल में अभी मेरे को आए 6 महीने हुए। 6 महीने हुए। तो कैसा यहाँ पर लगता है कि जो यहाँ का माहौल है, कि आपको एक घर जैसा या अपने परिवार जैसा लगता है, या यहाँ पर जैसे जेल में जैसे वहाँ पर केंद्रीय कारागार में रखते हैं उस प्रकार लगता है, या यहाँ पर कोई अलग माहौल है रहने का? अलग है। अलग है जी। तो 6 महीनों में आप क्या करते हो यहाँ पर? काम ही करते हैं, खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी का कहाँ करते हो सब? बाहर ही करते हैं। बाहर, यहाँ से जेल से जो बाहर है आप काम करते हो, तो सुबह चले जाते हो और शाम को वापिस आके हाजिरी लगा देते हो। अपने परिवार के साथ में रहते हो? हाँ, परिवार के साथ। जी जी। कौन सा घर है सर आपका? ये मंदिर के सामने। ये जो पीछे मंदिर दिखाई दे रहा है इसके जो सामने है वो घर इनका है। तो सर आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है जी? नानूराम जी। नानूराम जी। और आपका गांव कौन सा है जी? रामाबाड़ी। रामाबाड़ी। वो कहां पड़ता है सर? वो राजनगर तहसील। राजनगर तहसील में पड़ता है। तो आपको कितने साल की सजा है सर? 20 साल की। 20 साल की। तो यहां पर आपको कितना टाइम हो गया सर? मेरे को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। और 2.5 साल में सर आपको यहाँ पर कैसे लग रहा है, कि कोई सुविधा है नहीं है क्या है? सुविधा ठीक है सर। ठीक है जी, जी। वहाँ जेल से अच्छा है? अच्छा है जी। तो जेल में आप कितनी साल की सजा काट के? 9 साल। 9 साल। तो आप 9 साल की सजा काट के आए और अभी यहाँ पर कितने आपने बताया? 2.5 साल। 2.5 साल हो गए। और भी यहाँ पर जो साथी हैं वो उनसे हम बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? कालू राम जी। तो आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया सर? 2 साल। 2 साल हो गए। तो यहाँ पर 2 साल के अंदर आपने क्या देखा, क्या आपकी जो यहाँ पर दिनचर्या है वो रहती है, आप क्या काम करते हो? बस आप तो गरीब होते हैं और अपने परिवार के साथ काम कर रहे हैं जी। ये जो घर है वो आपका है और आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो, तो कैसा लगता है यहाँ पे आपको? ठीक है, व्यवस्था ठीक है आपके रहने की? हाँ ठीक है जी। और आपका नाम क्या है सर? किशन। किशन जी, आप कैसे हो सर यहाँ पे? मैं 302 में। 302 में। और आपका कौन सा गांव था? अनूपगढ़। अनूपगढ़ जी। तो अभी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? अभी 2रा साल लग गया। 2रा साल लग गया। तो यहाँ पर रहने की तो व्यवस्था मैं कुछ खास नहीं मान रहा हूँ, और मेरे को नहीं लगता है कि इतनी अच्छी व्यवस्था है। इस गाँव में कोई लाइट पानी की व्यवस्था है जी? लाइट की व्यवस्था नहीं है सर, वैसे सोलर का सिस्टम चल रहा है इसलिए। सोलर की लाइट जो अपने पर्सनली आप लगा के रखते हो वही चल रही है? हाँ जी जी।
तो सोलर की लाइट से काम चल रहा है। और ये जो मकान है, आपके मकान कैसे हैं, कौन सी अवस्था है इनकी, अभी ठीक है कंडीशन में या ठीक नहीं है? नहीं, अभी तो बढ़िया ठीक है चल रहा है जी, जैसे आप देख ही रहे हो। जी जी, तो आइए आपको इनके मकान वगैरह दिखा देते हैं। आइए गार्ड साहब, कैसा है इनका मकान वगैरह सब, आइए जी, आप ही आ जाइए। ये भी इस मकान में भी कोई रह रहा है? जी जी जी, तो ये कच्चे मकान हैं और कच्चे मकानों के अंदर इतनी कोई ज़्यादा सुविधा नहीं है, ना कोई अच्छे से टॉयलेट बाथरूम है, और ये इस प्रकार लॉक लगे हुए हैं। लॉक तो नहीं है लेकिन वो दिखाया हुआ है कि लॉक लगे हुए हैं। और फिलहाल ये किचन है इधर का, जी कच्चे मकान है और ये किचन है, आपको किचन दिखा देते हैं इनका। अभी आपको गेट के अंदर का जो जिसमें कैदी रहते हैं वो आपको दिखाते हैं मकान कैसा है और क्या यहाँ पर व्यवस्था है कैदियों के लिए। ये लोग भी धागे से लगाए हुए हैं, देसी लोग हैं। ऐसे लोग जल्दी से नहीं घुलते हैं। तो आइए आपको अंदर से दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ये थोड़ा कुछ सामान पड़ा है, एक चारपाई है, और ये कुछ राशन पानी बनाने के लिए इनको जो है अपना पर्सनल सामान रखा हुआ है, सिलेंडर भी है, और ये इसकी छत लगाई हुई है बांस की। इस प्रकार कोई ज़्यादा तो व्यवस्था नहीं लग रही है मेरे को, अंदर ऐसे लग रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस मकान में, कैदी जो रहते हैं उनको उतनी सुविधा नहीं है जिस प्रकार इनके। ये देखते हैं, ये सोलर सिस्टम भी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है इस जगह, और इस सोलर सिस्टम के अंदर आप देख सकते हो कि ये थोड़ी लाइट की व्यवस्था कर लेते हैं, बाकी वो बात नहीं है कि जिस प्रकार हम घर पर रहते हैं। ये छाया है, छाया के अंदर यहाँ पर जो रहते हैं लोग, और ये यहाँ पर स्कूल भी है। तो सर ये स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए। स्कूल ये प्राइमरी स्कूल है सर जी। यहाँ पर कितने बच्चे हैं फिलहाल और पहले कितने थे, कहाँ से आते हैं ये बच्चे? पहले तो लगभग 25 बच्चे थे और अभी मेरे लगता है 3-4 बच्चे होने चाहिए जी, कोरोना करके। कोरोना करके जी 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 जी। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, इन जो परिवार यहाँ पर अपने रह रहे हैं, इनके बच्चे भी यहाँ पर स्टडी करते हैं क्या? परिवार के बच्चे आते हैं और बाहर से भी आते हैं से। जी जी, जैसे हेड है जी, जी हेड से और 315 से यहाँ पर सभी जगह से बच्चे आते हैं। तो पानी की व्यवस्था तो यहाँ पर शायद ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये GLR बना हुआ है, शायद इसी की है, इसके अलावा कोई यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और ये केंद्रीय फार्म के अंदर ही जगह है थोड़ी सी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लग रहा है कोई 3-4 बीघा या 5 बीघा होगी। वैसे तो ज़्यादा है, ज़्यादा है लेकिन इसमें क्या है कि 1 रुपये के लगभग दिया हुआ है इन्होंने जी, लेकिन अभी ये क्या है कि कम है, झाड़ियाँ झुड़ियाँ होगी है यहाँ, जगह 1 रुपये के लगभग है लेकिन झाड़ियाँ वगैरह जो है जी, घास वगैरह है, जो भी झाड़ी वगैरह है जी। तो फ्यूचर में यहाँ पर कोई गवर्नमेंट ने कुछ नए मकान बनाने के लिए कुछ किया है या नहीं किया है? वो अभी प्रक्रिया चल रही है जी, बाकी शायद इसी साल हो जाए तो हो जाए। जी जी जी, पास हुआ है मतलब? हाँ, पास होने की बात है, अभी बजट में है। बजट में? हाँ, अभी तो जी जी, प्रपोजल भेजा है जो बजट में, उन्हें से भी मंगवाया है, अगर हो जाए तो भविष्य में हो जाए। जी जी, तो देखा आपने दोस्तों किस प्रकार यहाँ की जेल है, और जेल के अंदर जो बंदी है वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई यहाँ पर कोई किसी का दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल आप देख रहे हो ये बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी है इनकी, अपने घर जैसी लाइफ है। तो फिलहाल मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जो मकान है कम से कम इनको अच्छे प्रोवाइड किए जाएँ, जिससे क्या है कि कैदियों को रहने के लिए थोड़ी व्यवस्था हो। उसके यहाँ पर जो लाइट का कनेक्शन नहीं है तो वो लाइट वगैरह भी यहाँ पर व्यवस्था की जाए, कि जिससे इनको गर्मी में या सर्दी में कुछ राहत मिले। और बाकी यहाँ पर तो अच्छा है, ठीक है फिलहाल, स्कूल वगैरह भी है, पानी की व्यवस्था भी है। दोस्तों कोई भी अपराध
स्टार्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, नहीं तो यही जिंदगी है। एक सादा और उच्च विचार आपने बनाए रखी है। धन्यवाद।